Hello friends, as here we have discussed in our previous session that the definition of matrix and types of matrix. आज हम लोग definition और types of matrix के related कुछ example देखेंगे. The first example is in the matrix A. Matrix A हम लोगों को दिया हुआ है और उस matrix का order of matrix find out करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमको राइट डाउन करने हैं, जैसे कि A13, A21, A33, A24, A23. फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हॉरिजॉन्टल लाइंस है, किसी भी मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो वो नंबर ऑफ रोस दिखाती है और किसी भी मैट्रिक्स की वर्टिकल लाइंस जो होती है वो नंबर ऑफ कॉलम्स दिखाती है. तो हमारे एग्जांपल में हॉरिजॉन्टल लाइंस की नंबर्स 3 है, सो हमारी नंबर ऑफ रोस होगी 3 एंड वर्टिकल लाइंस 4 है, तो हमारे मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वो 3 होगा. So, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको ऑर्डर लिखना है, the order of matrix will be number of rows cross number of columns. So, in our example, there are 3 number of rows and 4 number of columns. So, the order will be 3 cross 4. Now, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके नंबर ऑफ रोस और नंबर ऑफ कॉलम्स पे डिपेंड करता है. हियर हमारे एग्जांपल में नंबर ऑफ रोस 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है. इन जनरल अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर m क्रॉस n होता है, तो वो मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो m इनटू n, यानी कि नंबर ऑफ रोस और नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर होता है. यानी कि हमारे एग्जांपल में 3 नंबर ऑफ रोस है और 4 नंबर्स ऑफ कॉलम्स है, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर मैट्रिक्स विल बी 3 × 4, दैट विल बी 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. Now friends, we need to find out some specific elements like A13. तो जो ये A13 का जो ये 1 है वो रोस की संख्या दिखाएगा और ये जो 3 है वो कॉलम्स की संख्या दिखाएगा, यानी कि A13. So A13 is an element which lies in first row and third column. So मैट्रिक्स में ये जो फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो जो A13 एलिमेंट होगा वो लाइज करेगा बिटवीन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. सो आवर एलिमेंट A13 विल बी 19. सिमिलरली A21, सो A21 विल बी इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो हमारी सेकंड रो and first column, so our element A21 equal to 35. Now for A33 lies in third row and third column, so our element A33 equal to -5. For A24, the element lies in second row, fourth column, so second row and fourth column, our element A24 equal to 12. For element A23, our element lies in second row, third column, so our element is in second row, third column, that is our element A23 equal to 5/2. Friends, now we will move on to our next example, example number 2. In a matrix
मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो वो जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इनटू n होनी चाहिए। यानी कि हमारे एग्जांपल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 24 है। हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 24। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स, वी नीड टू फाइंड आउट पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ पेयर्स व्हिच इन व्हिच द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर ऑर्डर्स ऑफ पेयर मस्ट बी 24 एंड नंबर ऑफ रोस, जो कि हमारे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोस और नंबर ऑफ कॉलम्स वो पॉजिटिव नंबर में होगी। तो जो भी पॉसिबल ऑर्डर्स जो होंगे, ऑर्डर्स ऑफ पेयर, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे एग्जांपल के मुताबिक 24 होना चाहिए। सो द पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/24, द प्रोडक्ट विल बी 1 × 24 = 24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2, 24/1. What if it has 13 elements? अगर हमारे मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स है, so the number of possible orders, जो भी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ पेयर होगी उसका जो प्रोडक्ट है वो 13 होना चाहिए। सो इफ द मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट, देन द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी 13/1। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर 13 नंबर्स ऑफ रो और 1 नंबर ऑफ कॉलम्स, और 1 नंबर ऑफ कॉलम और 13 नंबर ऑफ 1 नंबर ऑफ रो और 13 नंबर ऑफ कॉलम्स होगी। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। प्रीवियस एग्जांपल के जैसे ही हमारे जो एग्जांपल है मैट्रिक्स का 18 एलिमेंट्स है, सो द नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ पेयर, द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ पेयर should be 18. So the number of elements here are 18. So the product of order of pairs should be 18. So the possible orders that are 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2 and 18/1. फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 5 एलिमेंट्स होगा तो जो ऑर्डर ऑफ पेयर्स होंगे उसका प्रोडक्ट 5 होना चाहिए। सो इफ द मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, देन ऑर्डर शुड बी 1/5 एंड 5/1। फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2×2 मैट्रिक्स, matrix A equal to Aij, whose elements are given by Aij equal to i+j^2. Second question, Aij equal to 1/j, and third number, Aij equal to i+2j. Friends, हमें 2×2 का matrix construct करना है, जो Aij equal to i+j^2 की फॉर्मूला को सपोर्ट करता है। दूसरा वाला क्वेश्चन के अंदर aij इक्वल टू 1/j की फॉर्मूला को सपोर्ट करता है, और तीसरा वाला क्वेश्चन के अंदर aij इक्वल टू i+2j^2 की फॉर्मूला को सपोर्ट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 2×2 मैट्रिक्स के अंदर
जो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 2 × 2 यानी कि 4. सो द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर A11, A12, A21 एंड A22. फ्रेंड्स यहां जो पहला वाला 1 होगा A11 के अंदर, जो पहला वाला जो 1 होगा वो I को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा वाला जो 1 होगा वो J को रिप्रेजेंट करेगा. सिमिलरली A12 वाला जो पहला वाला जो 1 होगा वो I को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा वाला 2 होगा वो J को रिप्रेजेंट करेगा. Similarly, A21, I will be 2 and J will be 1, and for A22, I will be 2 and J will be 2. So now to find A11, we need to put I equal to 1, that is 1 plus 1 the whole square by 2. 2 square, that is 4, 4 by 2 equal to 2. For A12, we need to put I equal to 1 and J equal to 2. So A12 equal to 1 plus 2 the whole square, that is 9 by 2. For A21, we need to put I equal to 2 and J equal to 1. So A21 equal to 2 plus 1 the whole square by 2, that is equal to 9 by 2. For A22, I equal to 2 and J equal to 2, that is equal to 2 plus 2 the whole square by 2. 2 plus 2, that is 4 square, 4 square 16 by 2 equal to 8. So therefore our matrix equal to 2, 9 by 2, 9 by 2 and 8. Similarly in the second example, here the formula of Aij equal to 1 upon j. So we need to construct 2 by 2 matrix. So the element will be same, A11, A12, A21, A22. For A11, put I and J both 1. So A11 equal to, in the formula, 1 upon 1 equal to 1. For A12, put J equal to 2. So A12 equal to 1 upon 2. For A21, put J equal to 1. So A21 equal to 1 upon 1 equal to 1. For A22, put J equal to 2. So A22 equal to 1 upon 2. So therefore, the matrix equal to 1, 1 by 2, 1, 1 by 2. In the third example, the formula of Aij equal to I plus 2j the whole square by 2. A11, put value of I equal to 1, j equal to 1, equal to 1 plus 2 × 1, that is 2, 1 plus 2 the whole square, that is 9 by 2. So the value of A11 equal to 9 by 2. Similarly, A12, put I equal to 1, J equal to 2. So the value of A12 equal to 1 plus 2 × 2, 4, 1 plus 4 the whole square, that is equal to 25 by 2. For A21, put I equal to 2, J equal to 1. So A21 equal to I equal to 2 plus 2 × J equal to 1. So 2 plus 2 the whole square by 2. 2 plus 2 the whole square, 4 square, 4
4 square equal to 16, 16 by 2 equal to 8. For A22, put I equal to 2 and J equal to 2. So A22 equal to 2 plus 2 into 2, that is 4, 2 plus 4 the whole square, that is 6 square, 6 square equal to 36 and 36 by 2 equal to 18. So therefore our matrix equal to 9 by 2, 25 by 2, 8 and 18. Friends, equality of matrix, we will see equality of matrix and we will see some example based on the equality of matrix. Friends, jaise ki for two matrix, matrix A or matrix B ke liye, agar dono matrix agar same order mein hoge, yani ki agar matrix A 2 by 2 form में है, तो matrix B भी 2 by 2 form में होना चाहिए, और each element of matrix A is equal to the corresponding element of matrix B, यानि कि matrix A का जो element है और matrix B का जो corresponding elements है वो सेम होगे, ये दो condition अगर satisfy हुई तो matrix A and matrix B को हम equal matrix बोलेंगे, that is matrix A equal to matrix B. For example, in our example matrix A equal to 5, 4, 0, 9 and matrix B equal to 5, 4, 0, 9. So in our example, जो matrix A का जो order है, वो 2 by 2 है and matrix B का जो order है, वो भी 2 by 2 है, यानि कि first condition, they are of the same order, वो satisfy हो जाती है. दूसरा corresponding elements, यानी कि matrix A का जो पहला वाला element है वो और matrix B का जो पहला वाला element है वो दोनों same है, वैसे ही matrix A का second element corresponding to matrix B का second element both are same, matrix A का third element and corresponding to matrix B का third element both are same, as well as matrix A का fourth element and corresponds to matrix B का fourth element both are same. So both the condition of matrix equality are satisfied, so we can easily say that matrix A equal to matrix B, and we denote equality of matrix by A equal to B. So friends, now let's see some example based on the equality of the matrix. Here in this example, we need to find the values of x, y, z. For example 1, there are two matrix given. Both the matrix are equal matrix. अगर दोनों मैट्रिक्स में इक्वल दिया हुआ है तो उसका मतलब होगा कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स है वो सेम होंगे, यानी कि फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होंगे, यानी कि 4 इक्वल टू 1. So we can easily get the value of y, that is y equal to 4. Similarly, first wala jo matrix hai uska second element and second wala jo matrix hai uska second element dono same hongi, yani ki the value of 3 equal to z. So we can easily find out the value of z, that is equal to 3. Similarly,
फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका थर्ड एलिमेंट और सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका थर्ड एलिमेंट दोनों सेम होंगे, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट x इक्वल टू 1. फ्रेंड्स इन आवर सेकंड एग्जांपल द फर्स्ट मैट्रिक्स इज गिवन x plus y 2 5 plus z x into y equal to 6 2 5 8. Here dono matrix equal matrix hai, so corresponding elements of both the matrix will be same. Hamara jo pehla wala matrix hai uska jo third element uski hum comparison karenge सेकेंड वाला मैट्रिक्स की थर्ड एलिमेंट के साथ, सो 5 + z इक्वल टू 5, सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 0. नाउ जो पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे सेकेंड वाला मैट्रिक्स से फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सो x plus y equal to 6. Similarly, we will get x into y equal to 8. X plus y equal to 6, we will denote it to equation number 1. X into y equal to 8, we will put y as a subject. So, y will be y equal to 8 by x. This value of y we will put in equation number 1. So our equation will be x plus 8 by x equal to 6. We will get our equation x into x, that is x square plus 8 equal to 6x. We will get quadratic equation x square minus 6x plus 8. 6x will go equal, 6x जो होगा वो equal to की right side में आ जाएगा, तो उसका जो sign है वो plus से minus हो जाएगा, तो x square minus 6x plus 8 equal to 0. By solving this quadratic equation, we will get two factors, x minus 4 and x minus 2. By solving these two factors, we will get the value of x equal to 4, or we will get the value of x equal to 2. If we put x equal to 4 in our equation number 2, then we will get y equal to 8 by 4, that is y equal to 2. And if we put x equal to 2 in our equation number 2, then we will get y equal to 8 by 2, that is y equal to 4. Friends, like my video and subscribe to my channel, so when I upload new video, you get the notification of my video. Thank you so much. Have a nice day.